नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। एक ज़माने में अपने सेगमेंट में क्रेटा किंग हुआ करती थी, लेकिन जब से किया ने अपनी सेल्टॉस को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, तब से मानो जैसे इस सेगमेंट के मायने ही बदल गए हैं। किसी को कुछ समझने से पहले ही सेल्टॉस आई और सेगमेंट की किंग बन गई। लेकिन अपनी पोजीशन खोने के बाद ह्युंडई भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। हाल ही में ह्युंडई ने अपनी क्रेटा 2020 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑल न्यू क्रेटा के बारे में। शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर, इंजन ऑप्शंस, इंफोटेनमेंट, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, सेफ्टी, और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ में इसकी प्राइसिंग को भी डिस्कस करूँगा। जो भी कंज्यूमर्स क्रेटा की टॉप एंड वेरिएंट्स को लेने वाले हैं, उनसे मैं एक बार तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि एक बार जाकर टाटा हैरियर के मिड वेरिएंट्स या फिर एमजी हेक्टर के मिड वेरिएंट की प्राइसिंग और फीचर्स को भी इसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं क्रेटा के बारे में। शुरुआत करेंगे डायमेंशन से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रेटा की लेंथ है 4300 mm, विड्थ है 1790 mm, हाइट है 1635 mm और व्हील बेस है 2610 mm का। चलिए लगे हाथ बाकी की चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। तो क्रेटा में आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 433 लीटर का बूट स्पेस अलॉन्ग विथ 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 5.2 mm का टर्निंग रेडियस एंड 50 लीटर का फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो लगे हाथों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम माइलेज की भी बात कर लेते हैं। क्रेटा में आपको कंबाइन माइलेज यानी कि ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल और डीजल सभी का मिलाकर क्रेटा आपको देगी 17 km/h से लेकर 21 km/h तक का माइलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्रेटा में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। सेम ऑप्शंस आपको किया की सेल्टस में भी मिल जाते हैं। क्रेटा में आपको मिलेगा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 115 पीएस की पावर जनरेट करता है 6300 आरपीएम पर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 आरपीएम पर। नेक्स्ट इज 1.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज जीडीआई पेट्रोल इंजन, जो कि 140 पीएस की पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 3200 आरपीएम पर। तीसरा है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 115 पीएस की पावर जनरेट करता है 4000 आरपीएम पर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 आरपीएम पर। अब मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्सटीरियर के बारे में। नई क्रेटा में आपको मिलते हैं 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, साथ में आपको मिलेगा ट्विन टिप एग्जॉस्ट। इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों ही साइड में स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। नई क्रेटा में आपको ड्यूल टोन एक्सटीरियर यानी कि ड्यूल टोन रूफ का ऑप्शन भी दिया गया है। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ट्रायोबीम एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, साथ में आपको मिलते हैं एलईडी पोजिशनिंग लैम्प और 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई क्रेसेंट ग्लो एलईडी डीआरएल्स। गाड़ी की रियर में आपको एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं और क्रेटा में आपको इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स भी ऑफर किए जाते हैं। वहीं फ्रंट में आपको डार्क क्रोम में ह्युंडई की सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल भी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs मिलेंगे अलॉन्ग विथ LED टर्न इंडिकेटर्स और एक खूबसूरत एरोडाइनमिक रियर स्पॉयलर अलॉन्ग विथ शार्क फिन एंटीना भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में। नई क्रेटा में आपको 2-टोन ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे। वहीं DCT वेरिएंट्स में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स अलॉन्ग विथ ऑरेंज या फिर रेड इंसर्ट्स के साथ में इंटीरियर देखने को मिलेगा। गाड़ी में आपको मिलती है ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट,
रियर सीट हेडरेस्ट पर आपको एक एडिशनल कुशन भी दिया गया है। इसमें आपको फ्लैट बॉटम डी कट लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आएगा अलोंग विथ ऑल स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स अलोंग विथ स्पोर्टी पेडल शिफ्टर्स। रियर सीट पर आपको विंडो में सनशेड कर्टन का ऑप्शन भी दिया गया है। इन्फोटेनमेंट की जहां तक बात है, इसमें आपको आएगा 10 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम अलोंग विद ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो वॉइस एंड क्रूज कंट्रोल्स। इसमें आपको मिलते हैं बोस के 8 प्रीमियम स्पीकर्स। नई क्रेटा में आपको एडवांस ब्लूलिंक टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके साथ में खास बात यह है कि अब क्रेटा के मैनुअल वेरिएंट्स को भी आप इंजिन्स को इस ऐप के द्वारा और इस टेक्नोलॉजी से स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। और हमेशा की तरह, जैसे कि Hyundai की लगभग हर एक गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, इस वाली क्रेटा में भी आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट आर्मरेस्ट में इंटीग्रेटेड एयर प्यूरिफायर की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो क्रेटा में आपको मिलता है हम इंडियंस का सबसे फेवरेट पैनारोमिक सनरूफ। नेक्स्ट इसमें आपको मिलती है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक अलोंग विथ ऑटो होल्ड का फीचर। क्रेटा आपको ऑफर करती है 7 इंच सुपरविजन क्लस्टर विद डिजिटल डिस्प्ले। इसमें आपको फ्रंट रो में वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई है। नई क्रेटा में आपको 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलेगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट ड्राइव मोड सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिलता है अलॉन्ग विद ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स। नई क्रेटा में आपको मिलती है स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर। इसमें आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी फीचर दिया हुआ है। नेक्स्ट फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी आपको मिलता है। रियर में आपको रियर एसी वेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। नई क्रेटा में आपको डी कट टिल्ट पावर स्टीयरिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें आपको मिलती है चारों के चारों पावर विंडोज अलोंग विद ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच गार्ड विंडो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इज ऑल्सो ऑन बोर्ड। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो नई क्रेटा में आपको मिलते हैं कुल मिलाकर 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है अलोंग विद व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। नई क्रेटा में आपको हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल का फीचर भी ऑनबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है। नई क्रेटा आपको डे नाइट IRVM के साथ में इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर के साथ भी ऑफर करती है। इन सब के अलावा और भी कई सारे छोटे मोटे सेफ्टी फीचर्स है जो आपको क्रेटा में देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्रेटा के कर्व वेट की। तो जहाँ तक क्रेटा के कर्व वेट का सवाल है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलता है 1367 किलोग्राम्स तक। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करूँगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रेटा 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल बेस वेरिएंट की शुरुआत होती है 9,99,000 रुपीज़ से और मैनुअल में टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा 13,46,000 रुपीज़ का। वहीं 1.5 लीटर ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा 16,15,000 रुपये में। नेक्स्ट 1.4 लीटर पेट्रोल DCT टॉप वेरिएंट आपको मिलता है 17,20,000 रुपीज़ का। अब बात कर लेते हैं डीजल के प्राइसिंग के बारे में। तो डीजल में 1.5 लीटर डीजल मैनुअल टॉप वेरिएंट आपको आएगा 15,79,000 रुपीज़ तक और ऑटोमेटिक आपको मिलेगा 17,20,000 रुपीज़ तक। अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो हमने जाना कि क्रेटा सेल्टोस से लगभग अप टू 91,000 रुपीज़ महंगी आती है। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्रेटा लेनी चाहिए या फिर सेल्टोस या फिर टाटा हैरियर या फिर MG हेक्टर, क्योंकि गाड़ी के लुक्स, उसका डिज़ाइन और कई सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं। जो चीज़ें हो सकता है मुझे पसंद आए वो आपको पसंद ना आए, लेकिन मुझे पर्सनली नई क्रेटा का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आपके हिसाब से क्या नई क्रेटा अपनी एडिशनल प्राइसिंग को जस्टिफाई करती है?
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्रेटा लेने पर मजबूर करती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मुझे तो लगता है कि जो लोग डीजल में क्रेटा का टॉप एंड वेरिएंट लेने वाले हैं, उन्हें एक बार टाटा हैरियर का मैनुअल में XT और ऑटोमेटिक में XM वेरिएंट के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, या फिर MG हेक्टर को क्यों कंसिडर ना करें। क्या आपके पास कोई जवाब है? आपको क्या लगता है कि अपनी राय में क्रेटा लेनी चाहिए, सेल्टॉस लेनी चाहिए, हैरियर लेनी चाहिए या MG हेक्टर लेनी चाहिए? नीचे कमेंट करके लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।